क्या खुशबू है रसगुल्लों की। सच में चंपक चाचा के हाथों में तो जादू है। वाह वाह, क्या मिठाई बनाते हैं। जैसे ही शामू सामने रखी मिठाई खाने जाता है, तभी अचानक मिठाई की थाली उसके सामने से गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरी मिठाई कहाँ चली गई। तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। शामू देखता है, सामने एक चुड़ैल खड़ी उसकी मिठाई खा रही है। और तू इसे अकेले अकेले खाना चाहता था। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले खा जाओगी क्या? अब थोड़ी मुझे भी दे दो। मिठाई के साथ साथ मैं तो तुझे भी खा जाऊंगी। अरे बाप रे, भागो, इस भुक्कड़ चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं। अरे भागो रे। शामू अपने सर पर पैर रखकर वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में भूखी चुड़ैल का आतंक कायम हो जाता है। चुड़ैल रोज किसी न किसी के घर से उसका सारा सामान गायब कर देती। धीरे धीरे उस गांव में अनाज की कमी होने लगी। लोग बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खा पाते। फिर एक रात गिरधारी सेठ अपनी दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं अनाज के साथ साथ मुझे भी ना खा जाए। जान है तो जहान है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाना चाहिए। और फिर गिरधारी वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस चुड़ैल को देखने लगता है। तभी चुड़ैल गिरधारी की दुकान के सामने आ जाती है। यहाँ तो बहुत अनाज है, आज तो मजे से खाऊंगी। फिर चुड़ैल गिरधारी की दुकान का सारा अनाज अपने साथ लेकर चली जाती है। हे भगवान, ये पेटू चुड़ैल तो मेरा सारा गोदाम खाली करके चली गई। अगली सुबह शामू गिरधारी सेठ की दुकान में अनाज खरीदने आता है। कैसे हो गिरधारी चाचा, मुझे थोड़ा अनाज खरीदना है, यही दाल चावल वगैरह। गिरधारी उदास होकर कहता है। अरे शामू, अब क्या बताऊं? कल रात वो भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम से सारा अनाज उठा कर ले गई। अब तुम लोगों को बेचने के लिए मेरे पास बिल्कुल अनाज नहीं है। तभी वहाँ चंपक हलवाई के साथ साथ और भी गांव वाले आ जाते हैं। अरे गिरधारी भाई, क्या बताऊं? कल रात वो चुड़ैल मेरी दुकान पर आकर मेरी सारी मिठाई ले गई। चुड़ैल की तो ऐश है, कितनी मिठाई खा रही है। हे भगवान, कितने दिन बीत गए, मुझे तो मिठाई का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चंपक कहता है। अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तो इस चुड़ैल से तंग आ गया हूँ। कल उस चुड़ैल के डर से मैं तो रात भर अपने घर नहीं गया। अरे भाई, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि उस चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ा हरिया कहता है। भाइयों, अगर मेरी बात मानो तो हमें उस चुड़ैल की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए, और उसकी कमजोरी है खाना। हाँ, तुमने सही कहा, उसे खाने का लालच देकर फंसाना होगा। उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। फिर अगले दिन हरिया चंपक मिठाई वाले से खूब सारी मिठाई बनाने के लिए कहता है। फिर वो तेल के व्यापारी कल्लूमल के यहाँ से बहुत सारे तेल के बड़े बड़े पीपे बैलगाड़ी में लाद कर लाता है। शामू भागता हुआ वीरू के पास आता है और कहता है।
ये लो वीरू भैया, आपके कहे अनुसार मैं बहुत सारी मजबूत रस्सियां ले आया हूँ। गिरधारी चाचा, हमारे गांव के चौराहे के पास जो सूखा कुआ है, हम उसमें तेल भर देंगे और फिर उसके ऊपर बहुत सारी मिठाई कुछ पीपों में भरकर रस्सी से बांधकर कुएं के अंदर लटका देंगे। मिठाई का लालच चुड़ैल को कुएं के अंदर जाने के लिए मजबूर कर देगा और फिर जैसे ही चुड़ैल कुएं के अंदर जाएगी, हम सब कुएं के अंदर तेल में जलती हुई मशाल फेंक के उसमें आग लगा देंगे और फिर वो चुड़ैल उस आग में जल के खत्म हो जाएगी। फिर उसी शाम सभी गांव वाले बिल्कुल वैसा ही करते हैं और फिर जलती हुई मशाल लेकर सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। इतनी सारी मिठाई की खुशबू चुड़ैल को उस कुएं के पास खींच लाती है। इतनी अच्छी मिठाई की खुशबू कहां से आ रही है? तभी उसकी नजर कुएं के अंदर लटक रहे मिठाई के बड़े बड़े पीपों पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई, आज तो खूब चटकारे लेकर मिठाई खाऊंगी। अरे वाह चंपक चाचा, तुम्हारी मिठाइयों ने तो अपना काम कर दिया। चुड़ैल उन्हें खाने के लिए उतावली हुई जा रही है। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब चुप रहो। उस चुड़ैल को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। अब देर किस बात की, जल्दी से कुएं के अंदर जाके सारी मिठाई चट कर जाती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल कुएं के अंदर चली जाती है। तभी मौका पाकर सभी गांव वाले कुएं के पास आते हैं और तेल डाल के जलती हुई मशाले कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अचानक कुएं में भीषण आग लग जाती है। मर गई रे! चुड़ैल ऊपर देखती है, उसे सभी गांव वाले दिखाई देते हैं। मेरे साथ धोखा, मर गई! और इस तरह गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से उस चुड़ैल का अंत किया। शिक्षा, केवल बुद्धिमानी से ही हम हर जंग को जीत सकते हैं।